Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you people are doing great. Students, today we are going to start our lecture number 2 of English grade 3. Now you have to move at your planner. You have to mention date and day on these blocks of week number 1. These two blocks. You have to mention date and day here. Now you have to move at workbook page number 29 and mention date and day there. Students, previous lecture में हम लोगों ने parts of speech start किए थे और इसमें जब last lecture देख रहे थे parts of speech that was adjective. आज हम इसको complete करने जा रहे हैं. Separate the describing and naming words. यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स यहाँ पे गिवन है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी एडजेक्टिव और नेमिंग वर्ड्स नाउन यहाँ पे गिवन है. ठीक है, हमने उनको अलग करना है. सेपरेट द डिस्क्राइबिंग एंड नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन फ्रेजेस. यहाँ पे हमारे पास ये नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स आपको, ये फ्रेजेस हैं, हमने इनमें एडजेक्टिव और नाउन को अलग करना है. डिस्क्राइबिंग वर्ड मीन एडजेक्टिव और नेमिंग वर्ड मीन नाउन. ठीक है, यहाँ पे दो बॉक्सेस गिवन है, हमने इनके अंदर वही वर्ड्स लिखने हैं. फर्स्ट वन इज गुड बॉय, अच्छा लड़का. जैसे कि सामने नज़र आ रहा है, गुड मीन अच्छा. अच्छा एक इंसान की क्वालिटी हो सकती है, जो क्वालिटीज होती हैं वो एडजेक्टिव होता है. तो गुड इज एडजेक्टिव, बॉय इज नाउन. हमने गुड को एडजेक्टिव के बॉक्स में लिख लिया और बॉय को नाउन के बॉक्स में लिख लिया. प्रेटी डॉल, प्यारी गुड़िया. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गुड़िया की क्वालिटी बताई जा रही है ना, कि वो बहुत प्यारी है. तो प्रिटी मीन इट्स क्वालिटी. तो जो क्वालिटी होगा वो हमारे पास एडजेक्टिव होगा. यहाँ पे हमने एडजेक्टिव के बॉक्स में लिख लिया और डॉल इज अ नाउन. सो यू हैव टू राइट हियर. स्मार्ट गर्ल मीन्स कि एक एक्टिव गर्ल है, उसके बारे में बात हो रही है. तो इसका मतलब क्या होगा कि जो स्मार्ट है वो लड़की की क्वालिटी बताई जा रही है. तो स्मार्ट एडजेक्टिव होगा, गर्ल नाउन होगा. हॉट डे, गर्म दिन. तो हॉट होगा हमारे पास यहाँ पे एडजेक्टिव और डे होगा हमारे पास नाउन. नेक्स्ट वन इज शॉर्ट हेयर, छोटे बाल. ठीक है, तो बालों की क्वालिटी बताई जा रही है ना यहाँ पे. तो शॉर्ट होगा हमारे पास एडजेक्टिव, क्योंकि बालों के बारे में मज़ीद डिस्क्रिप्शन दे रहा है ना. तो हेयर होगा नाउन. सो यू हैव टू राइट इन द बॉक्स ऑफ नाउन. नेक्स्ट देख लेते हैं, राइट एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब दीज नाउन्स. यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे नाउन गिवन होंगे, हमने इनका जो डिस्क्राइब जो वर्ड करा है वो यहाँ पे लिखना है. बिस्किट, डॉग, पोइम, रोज, बिल्डिंग्स, टीचर. तो बिस्किट के बारे में क्या होता है, हम आप उसकी कोई भी क्वालिटी यहाँ पे लिख सकते हैं, स्वीट बिस्किट. डॉग, डॉग का कलर भी बता सकते हैं, वाइट है डॉग, ब्लैक है. मैंने यहाँ पे थिन लिखा है, मीन्स कि डॉग बहुत वीक है, बहुत कमज़ोर है, थिन डॉग. लॉन्ग पोइम, शॉर्ट पोइम भी आ सकता है यहाँ पे, इंटरेस्टिंग पोइम भी आ सकता है, कुछ भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, बट जो पोइम को डिस्क्राइब कर रहा हो. नेक्स्ट वन इज रोज़, रोज़ की क्वालिटी बतानी है. आपको पता है कि रोज़ ब्यूटीफुल भी होता है, रेड भी होता है, वाइट भी होता है, इससे कोई भी आप लोग कलर्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ बिल्डिंग्स, हाई बिल्डिंग्स, हाई बिल्डिंग्स. टीचर, टीचर की क्वालिटी यहाँ पे लिखनी है, लविंग भी लिख सकते हैं, केयरिंग भी लिख सकते हैं, हैप्पी यहाँ पे लिखा हुआ, हैप्पी टीचर. नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रोनाउन. वट इज़ प्रोनाउन, गिव थ्री एग्जाम्पल के प्रोनाउन क्या होता है और इसके एटलीस्ट थ्री एग्जाम्पल्स आप लोगों ने देनी है. अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. प्रोनाउन एक वर्ड होता है जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है. एग्जाम्पलिक रेशियो, फॉर एग्जाम्पल आई वी यू. हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन, अ प्रोनाउन आई वी यू दे ही शी इट. आई आपको पता, हमेशा अपनी जब बात करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, आई यूज़ करते हैं. ठीक है, वी जब किसी और को साथ मिला के आप अपनी भी बात कर रहे हो, किसी और इंसान की भी बात कर रहे हो, यू तुम किसी खास जिसे आप मुखातिब हों, वो दे, ये मोर देन वन लोगों की बात जब हो रही हो, ये बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकती हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, मोर देन वन की जब बात होगी तब ये यूज़ करेंगे. ही जब किसी सिंगल लड़के का नाम आ रहा हो तब ही यूज़ करेंगे. शी जब कोई सिंगल लड़की होगी
और ये चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है इट, और एनिमल के लिए भी इस्तेमाल होता है. नाउ यू हैव टू मूव एट पेज नंबर 30 एंड मेंशन डेट एंड डेट ईयर. अंडरलाइन ऑल द प्रोनाउंस इन द पैराग्राफ बिलो. यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ गिवन है, वहाँ पे आपने सब जो प्रोनाउन हो ये उनको अंडरलाइन करना है. ठीक है. नाजिया एंड फरा आर माई फ्रेंड्स. नाजिया और फरा मेरी सहेलियाँ हैं. दे रीड इन क्लास 3. स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे दो लड़कियों की बात हो रही है ना, तो अब क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे दे. सो दे को अंडरलाइन कर ले क्योंकि ये प्रोनाउन है. वो तीसरी जमात में पढ़ती हैं, तो ये दे को अंडरलाइन कर लिया हमने यहाँ पे. नेक्स्ट, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड पंक्चुअल. वो बहुत मेहनती हैं और पंक्चुअल हैं, मीन्स वो छुट्टी नहीं करती. तो यहाँ पे भी अगेन दे आ गया, तो दे को हमने अंडरलाइन कर लिया. वी गो टू स्कूल टुगेदर. हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं. वी आ गए यहाँ पे क्योंकि उन दोनों को भी मिला लिया यहाँ पे, और अपनी भी बात हो रही है यहाँ पे, तो अब क्या होगा, वी यूज़ करेंगे. अगर जब तक इन दोनों की बात हो रही थी तब दे यूज़ किया, अब खुद को भी मिला लिया साथ, तब क्या यूज़ हो रहा है यहाँ पे, वी. वी गो टू स्कूल टुगेदर. हम इकट्ठे स्कूल जाते हैं. वी को अंडरलाइन कर लिया. और बेस्ट टीचर इज़ इंग्लिश टीचर. जो हमारी फेवरेट टीचर है, जो पसंदीदा टीचर है, वो इंग्लिश की टीचर है. तो यहाँ पे अर आ गया. यू डोंट गैस हाउ लकी आई एम टू हैव सच लविंग फ्रेंड्स. आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम लोग कितने में कितने लकी हों. तो यहाँ पे यू आ गया, देन यहाँ पे आई आ गया. इन दोनों को हमने अंडरलाइन कर लिया. प्रेपोजिशन. वॉट इज़ प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन क्या होता है? गिव 3 एग्जाम्पल्स. आपने इसकी 3 एग्जाम्पल्स देनी है. इट इज़ अ वर्ड दैट शोज रिलेशन बिटवीन नाउंस. ये एक वर्ड है जो कि नाउंस के दरमियान जो रिलेशन है, जो उनका तअल्लुक है, उसको एक्सप्लेन करता है, उसको बताता है. फॉर एग्जाम्पल, इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, ओवर, बिलो, ये सब क्या होगा हमारे पास? प्रेपोजिशन होगा. लेबल द पिक्चर्स यूजिंग प्रेपोजिशन. हेल्प बॉक्स के अंदर हमारे पास कुछ प्रेपोजिशन गिवन है. हमने यहाँ से एक चूज करके, जो नीचे पिक्चर्स हैं इनके नीचे बॉक्सेस गिवन हैं, हमने वहाँ पे लिख लेनी है. फर्स्ट वन इज ओवर, बिटवीन, अंडर, इन, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, बिहाइंड, ऑन. जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें देखिए, एक बॉय ने बॉक्स उठाया हुआ है. इट मीन्स कि वो खुद बॉक्स के नीचे खड़ा हुआ है. जब ये नीचे है तब क्या होगा? अंडर. कि बॉय की बात हो रही है, द बॉय इज अंडर द बॉक्स. तो यहाँ पे क्या आ गया? अंडर. अंडर मीन नीचे. अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पिक्चर में जो बॉय है वो बॉक्स के सामने खड़ा हुआ है. तो क्या करेंगे? सामने के लिए क्या प्रपोजिशन यूज़ होगी? इन फ्रंट ऑफ. सामने के लिए क्या यूज़ होगा? इन फ्रंट ऑफ. नेक्स्ट देख लें, साइड पे बैठा हुआ बच्चा, तब क्या यूज़ करेंगे? बिसाइड. ठीक है, जो यहाँ पे हमने हमारे पास गिवन है बॉक्स में, वहाँ से देखे हमने यहाँ पे लिखनी है. ठीक है. नेक्स्ट देख लें, बॉय बॉक्स के अंदर है, तो अंदर के लिए क्या यूज़ करेंगे? इन. द बॉय इज इन द बॉक्स. नेक्स्ट देख लें, बॉय बॉक्स के ऊपर बैठा हुआ है, तब बॉय इज ऑन द बॉक्स. अब ये देखिए, इसने हाथ ऊपर रखे हुए, तो मीन्स के ऊपर होने की कोशिश कर रहा है. इसके ऊपर प्रॉपर बैठा हुआ नहीं है, बट इसके ऊपर ही है. तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? ओवर. द बॉय इज ओवर द बॉक्स. अब यहाँ पे बॉय पीछे छुप गया है, तो पीछे के लिए क्या यूज़ होगा? बिहाइंड. बी हाइंड, बी ई बी एच आई एंड डी हाइंड, बिहाइंड. नेक्स्ट पिक्चर में देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो बॉक्सेस के दरमियान में है बॉय, तो आपने क्या यूज़ करना है यहाँ पे? बिटवीन. बिटवीन का मतलब क्या होता है? दरमियान. द बॉय इज़ बिटवीन द बॉक्सेस. जो बॉय है वो बॉक्सेस के दरमियान है. पेज नंबर 31 पे मूव करें स्टूडेंट्स. देख लें, ये आपका होम टास्क है. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एडजेक्टिव, आपको नाउन गिवन होंगे, पिक्चर भी बनी हुई है, साथ उनके वर्ड भी लिखे हुए हैं. तो आपने इसको डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पे लिखना है, मीन्स कि एडजेक्टिव लिखना है. और यहाँ पे करेक्ट प्रपोजिशन यूज़ करनी है आपने, और इस बॉक्स के अंदर वो गिवन होंगी. और आपने ये काम बहुत अच्छे से ध्यान से करना है. फी अमान अल्लाह.